चालू कर, पुलिस वाले हमारी कुछ सुनाएंगे तो हमारे भाई को, हमारे मम्मी को, मम्मी हमारी 2 घंटे से बहुत बड़ी, कोई भी पुलिस सुनाई नहीं कर रही है, और उनके सुन में हमारा हाथ हमारी बहन को आलापुरा के लड़कों ने सब ने मारा है उनका जीत के, और कहने में पुलिस देखिए इसीलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। कल दिनांक 21/7/2023 को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक 2 पक्षों में कूड़ा डालने और पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष इम्तियाज खान उनकी बहू को जो कि गर्भवती थी उनको चोटें आई थी उनकी तरफ से मारपीट का मुकदमा लिखा गया था, और दूसरा पक्ष संतोष सोनकर और उनके द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें उच्च धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी बीच में संतोष सोनकर की पुत्री द्वारा ये बताया जा रहा है उनके परिवारजनों द्वारा ही कि संतोष सोनकर की पुत्री के द्वारा यमुना नदी में छलांग लगा दी गई थी। इस घटना की संज्ञान होते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर गोताखोरों को लगाकर उनकी पुत्री को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु अभी तक क्योंकि धारा बहुत तेज है इसलिए अभी तक बरामदगी नहीं हुई है और निरंतर इसमें प्रयास जारी है। इस पूरे प्रकरण में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि पुलिस पर यह आरोप लगाए हैं कि कार्रवाई न किए जाने की वजह से वो आत्महत्या कर रही है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए उस एरिया के चौकी प्रभारी और उसके साथ जो भीड़ आरक्षी है उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, और पूरे प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को दे दी गई है। 3 दिवस में उनके द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।